दोस्तों साढ़े सैक्शन सजना सवरना दविश तुहाड़ी ब्यूटी क्वेरीज नूं सॉल्व करन लई अज असीं एक बार फिर तुहाड़ी मुलाकात करा रहे हैं साढ़े ब्यूटी एक्सपर्ट नीलू गरेवाल जी दे नाल। नीलू जी वेलकम वंस अगेन टू द शो। थैंक यू। नीलू जी बरसात के मौसम दे विच यानी कि ह्यूमिडिटी के मौसम दे विच साढ़े वालों का टैक्सचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, सानू दसो कि इस टाइम पर सानू अपने वालों की केयर किस तरह करनी चाहिए है। सब तो ज़्यादा जी केयर करनी चाहिए इस टाइम तुसी जिहड़ा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग वाला यूज़ करो या ड्राई हेयर वाला यूज़ करो जिहदे नाल तुहाडे वाल इन्ने ज़्यादा फुलन नहीं। सैकेंड थिंग इज़ दे आर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच आर लाइक लीव इन कंडीशनर एंड सीरम्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स बालों में लगा के तुसी छड़ सकते हो आफ्टर अ शैम्पू। उदे नाल तुसी देखोगे कि बाल जिहड़ा सीरम्स होंदे ने इन्हां विच सिलिकॉन प्रोटीन्स होंदिया ने जिहदे नाल बाल बहुत ज़्यादा फुलदे नहीं ने। लीव इन कंडीशनर्स भी होंदे ने इन्हां ये भी बालों नूं मॉइस्चराइज रखते ने और बालों विच वो फ्लफीनेस नहीं आन दिंदे। अच्छा, कई बार असीं वेखदे हां कि बालों दे विच स्प्लिट एंड्स हो जांदे ने, देन डू यू रेकमेंड अर्ली कटिंग? देखो नॉर्मली वंस इन सिक्स वीक्स अगर तुसी बड़ी हेल्दी लुकिंग हेयर या हेयर कट या हेयर दी लुक चाहते हो हमेशा वंस इन सिक्स वीक्स यू शुड गो इन फॉर अ रेगुलर ट्रिम, उहदे नाल तुसी देखोगे कदे भी स्प्लिट एंड्स नहीं आनगे। अच्छा, हुण सानूं दसो कि असीं घर दे विच किस तरह दा पैक या कुछ उपटन असीं अपने वालां ते लगा सकदे हां जिस करके इस मौसम दे विच असीं अपने वालां दा ख्याल रख सकीए। जिहड़ा बनानास होंदे ने इहनां विच बड़ा नैचुरल मॉइस्चर होंदा है, इहदे विच तुसीं थोड़ा जिहा हनी पा सकते हो, एग बीट करके पा सकते हो, थोड़ा जिहा कर्ड पा सकते हो, इहनूं पूरे नूं मिक्सी विच ब्लेंड कर लो और जिहड़ा इहदा मिक्सचर बनदा है अप्लाई इट ऑन द स्कैल्प टू बी मोर इफेक्टिव। तुसी क्लिंग फिल्म नाल इहनूं प्रॉपरली कवर कर सकते हो एंड लीव इट ऑन फॉर अबाउट एन आवर। घंटे तो बाद अच्छे शैम्पू नाल तुसी इहनूं वॉश आउट कर लो, यू विल फाइंड दैट द हेयर इज़ वेरी सिल्की और अगे अगर तुसी हर हफ्ते इहनूं रिपीट करोगे तुसी देखोगे किन्ना वालां विच डिफरेंस आंदा है। नीलू जी सानूं दसो कि इस मौसम दे विच यानी कि रेनी सीजन दे विच सानूं ऑयलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? देखो नॉर्मली ऑयलिंग जे तुसी स्कैल्प तुहाडी बहुत ज़्यादा ऑयली है और वाल ड्राई ने फिर ऑयलिंग दा इन्ना फायदा नहीं हुंदा, पर जे तुहाडी नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प है और वाल भी ड्राई ने दैन डेफिनेटली ऑयलिंग दा बहुत फायदा हुंदा है। पर अगेन कीप इन माइंड कि जिहड़ा तुसी ऑयल यूज़ करदे हो दैट शुड बी वेरी लाइट, जिवें कोकोनट ऑयल है इट्स अ वेरी लाइट ऑयल तुसी लगा सकते हो, वो बालों नूं वे डाउन नहीं करता। सो जिहड़ा भी तुसी ऑयल यूज़ करते हो इट शुड बी अ वेरी लाइट ऑयल। अच्छा, सानूं दसो कि कई बार की होंदा कि लोग जिहड़े कंडीशनर्स होंदे ने उन्हां नूं अवॉइड करदे ने क्योंकि उन्हां दे वाल बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं या ऑयली हो जाते हैं खासकर इस मॉइस्चराइज्ड सीजन दे विच, ते उन्हां नूं की करना चाहिए? देखो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब तुसी कंडीशनर लगाते हो फर्स्टली इट शुड नॉट बी क्लोज टू द स्कैल्प, तुहाडे वालों के रूट्स तो एटलीस्ट 2 इंचज दूर कंडीशनर लगना चाहिए। नॉर्मल टेंडेंसीज कि तुसी तेल की तरह कंडीशनर नूं भी लगा लेंदे हो एंड यू डू दैट, उहदे नाल हमेशा वाल फ्लॉप डाउन कर जाते हैं, बड़े स्टिकी लगते हैं। सैकेंड थिंग इज़ कि जब तुसी कंडीशनर लगाते हो अनलैस इट इज़ अ लीव इन कंडीशनर, नॉर्मल कोई भी कंडीशनर होंदा उहनूं प्रॉपरली तुहानू रिंस आउट करना चाहिए, जब तक वो निकलता नहीं है तद तक वो हमेशा वालों नूं स्टिकीनैस दी फील देता है। सो मेक श्योर कि तुसी प्रॉपरली कंडीशनर नूं रिंस आउट करो एंड यू विल नेवर हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ स्टिकीनैस। नीलू जी, तुसी सानूं बरसातां दे मौसम दे विच हेयर केयर बारे इन्नी जानकारी दित्ती, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम।